Okay, hi student. Today we are going to learn some extra activities from your textbook. Okay, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, होमवर्क तो कंप्लीट करके जल्दी देते नहीं हो, तो आज पूरा सेशन किस में होगा, होमवर्क में. और ये होमवर्क आपको कंप्लीट करके देना है जो कि हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टडी किया है. ठीक है, लास्ट ईयर भी ये सारी चीज़ें सीखी है, तो आपको ये हैज़ अ होमवर्क यहाँ पे मिल रहा है कि आपको कितना रिमेम्बर है, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये सारे लेक्चर रिवाइज होंगे. ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग ने. ये कौन सा एल्केमी ऑफ नेचर के एंड का पेज है. ठीक है, देखो तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, ये तो जस्ट फॉर लाफ एंड इन्जॉय है, तो ये ठीक है आप लोग कर लेना. क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट. ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग सीखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग हम लोगों को लिखना है एनवायरमेंट डे. किस पे? एनवायरमेंट डे पे सेलिब्रेट इन योर स्कूल, जो कि आपके स्कूल में सेलिब्रेट हो रहा है एनवायरमेंट डे, उस पर न्यूज़ रिपोर्ट लिखना है. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 11, यू हैव एन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक सेलिब्रेशन इन योर स्कूल. हमारे स्कूल में फिर से एक सेलिब्रेशन है जो क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक होगा. ठीक है, यू हैव इनवाइट एन एनवायरमेंटलिस्ट, यू हैव इनवाइटेड एन एनवायरमेंटलिस्ट. ठीक है, तो आपने एक एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब कि जो एनवायरमेंट के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, जो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, वो एनवायरमेंटलिस्ट को बुलाया है. योर फ्रेंड इंटरव्यू हिम और हर अबाउट हाउ टू सेव द एनवायरमेंट. तो हम लोगों को उनसे क्वेश्चन पूछना है कि हम अपने जो ये हमारा वीक चल रहा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वीक को हम कैसे करें, और क्या क्या हम लोगों को प्रोटेक्शंस करने चाहिए, कैसे एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं, हाउ टू सेव द एनवायरमेंट. ठीक है, तो उसके ऊपर तुमको मिनिमम 10 क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. देखो जो इम्पॉसिबल है वो खुद ही बोलता है, क्योंकि देखो उसमें आई एम और फिर पॉसिबल, दैट मीन्स इम्पॉसिबल लिखा है. तो अगर हम आई को और एम को हटा के और पॉसिबल पढ़ते, तो ये क्या आप कह रहा है, बोल रहा है आई एम पॉसिबल. डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हो कि जो इम्पॉसिबल है उसी में एक बात छुपी होती है कि वो बोलता है आई एम पॉसिबल, मतलब कि कोई भी वर्क हो, कितना भी हार्ड वर्क, क्या होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता है. तो आप इस बात पे एग्री करते हैं क्या? जस्टिफाई योर आंसर बाय स्वीटिंग समथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस और हर्ड फ्रॉम समवन. कि आपने कभी ऐसे कोई चीज़ बहुत जो आपके लाइफ में हुई हो, जो आपने एक्सपीरियंस की हो कि ये नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने ऐसे ट्राई किया और वो चीज़ हो गई. अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आपने कहीं किसी से सुना होगा, तो वो आपको स्टोरी, आपने मम्मी पापा के लाइफ में इतने साल उन्होंने लाइफ स्पेंड किया है, तो उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें आई होंगी, तो आप उनसे वो स्टोरी पूछ के, अदरवाइज़ आपने पहले भी सुनी हुई है, तो उसके ऊपर आपका जो है कुछ जस्टिफाई करके बताना है कि जो इम्पॉसिबल है वो खुद ही बोलता है आई एम पॉसिबल. ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9th क्वेश्चन नंबर ए और बी, दो क्वेश्चन है. इसमें बोल रहा है कंपोज अबाउट 8 to 10 सेट्स ऑफ इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन अ बर्ड अ ट्री एंड फ्रूट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट चेंज राइट इन योर नोटबुक. आपको क्या बोल रहा है कि आपके नोटबुक में एक इमेजिनरी डायलॉग लिखना है. इमेजिनरी डायलॉग मतलब अपने मन से सोच के, अपने मन से इमेजिन करके हम लोगों को डायलॉग बनाना है. और डायलॉग किसके किसके बीच में होगा, डायलॉग राइटिंग सिखाया है ना, तो सेम एज यहाँ पे करना है. तो ये किसके किसके बीच में होगा, बर्ड ट्री एंड फ्रूट. एक फ्रूट है, एक बर्ड है, एक ट्री है. ये लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अपने आप में कन्वर्सेशन कर रहे हैं. किस बारे में, कि जो ये ह्यूमन बींग्स के वजह से जो एनवायरमेंट चेंज होते जा रहा है डे बाय डे, उसके वजह से ये लोग में एक क्या करना है, कन्वर्सेशन और डायलॉग राइटिंग लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंडरलाइन द वर्ब इन द सेंटेंस बिलो एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव, दैट मीन्स नीडेड एन ऑब्जेक्ट और इन ट्रांजिटिव नॉट नीडेड. ठीक है, आप ये लो सर, पहले जो राइटिंग स्किल है, इतना ही होमवर्क मुझे फिक्स एंड फाइनल फुल क्या करके दोगे, आप लोग लिख कर दोगे, तभी मैं आपको आगे के लेसन्स पढ़ाऊँगी, अदरवाइज नहीं. क्योंकि आप लोग आंसर का तो रिप्लाई करते नहीं हो क्वेश्चन का. ठीक है, थैंक यू.